अच्छा भाई एक सवाल है टू से रिलेटेड और टू डी एरेज़ में बबल शॉट का सवाल है सही तो नाइन सिक्स वन एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर टू वेरिएंट वन का क्वेश्चन है उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत मैं बस इसको काइंड uh, ऑफ kind of, देखो ऑफकोर्स ये बबल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरेज सही है और उसमें स्वैपिंग किस तरीके से हो रही होती है बाकी अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उसका लेक्चर जाके देख सकते हैं अच्छा जब भी हम बात करते हैं नाइन सिक्स वन एट ट्वेंटीट वन जो टू डी एरेज के अंदर उसने शॉर्टिंग करवाता है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को हर एक एक एलिमेंट के अंदर शॉर्टिंग करवाए इट्स यूज कॉलम को इस्तेमाल करते हुए वो सॉर्टिंग करवा रहा फॉर एग्जाम्पल कभी कभार सवाल आते हैं एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक लाइन होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज को एक्सट्रैक्ट करके फिर कंपैरिजन करवाना होता है और पूरी पूरी लाइन को हमें चेंज करना होता है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सवाल है जरा जल्दी से देख लेते हैं एक हमारे पास एरे है रिजल्ट के नाम से जिसमें टू थाउजेंड एलिमेंट्स एलिमेंट्स का ये मतलब नहीं है टू थाउजेंड रोज इट्स बेसिकली वन थाउजेंड रोज और टू कॉलम्स तो इसका मतलब है मतलबेंड एलिमेंट्स सही है एक तरीके से समझ लो वन थाउजेंड रोज उसमें हर एक एक के अंदर दो दो हमारे पास

डिंग ऑर्डर ऑफ मार्क देखो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर कर दो रिजल्ट का एक स्पेसिफिक चीज बता के करेंगे जैसे इंटू असेंडिंग ऑर्डर मार्क बता दिए उन्होंने यूजिंग एन बबल के अंदर टू यूज अ कंडीशन लूप जो वही वाली लॉजिक है कि आप रिपीट का लूप लगाते हो बाउंड्री की वैल्यू सेट करते हो नो no स्वैप को ट्रू करते हो जैसी लूप में दाखिल हो जाते हो अगर एक दफा भी कंडीशन ट्रू तो नहीं होती लूप से बाहर निकल जाओगे उससे कंफर्मेशन हो जाती है हाँ भाई आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है फॉर एग्जाम्पल अगर नो no स्वैप्स को आप ट्रू करते हो एक दफ़ा कंडीशन आपकी आपकी ट्रू हो जाती है ये वाली जैसी कंडीशन ट्रू होती है एक स्वैप हो गया इसका मतलब दैट मीन्स कि आप लोगों का नो स्वैप फॉल्स हो जाएगा जैसी नो स्वैप फॉल्स होगा इसका मतलब है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये आई सॉर्टेड सॉट एंड नाउ सही है तो जरा आप इसके स्टूडो कोड को देखते हैं जो इसका आंसर है जो आप लोगों ने खुद लिखना था लेकिन मैं उसको एक एक्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि करना क्या होगा इसमें आपने बाउंड्री की वैल्यू सेट कर दी विच इज़ नाइन 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 ऑफकोर्स क्योंकि वन थाउजेंड हमारे पास रोज हैं हमें रोज को देखना है और सिर्फ कॉलम तो no टू boundary, मतलब से कंपैरिजन करवाना है और बाउंड्री माइनस वन करते रहते हैं हम लोग एक तरीके से अच्छा अब आपने क्या करना है रो कॉमर टू रो कॉमर टू मतलब अभी हम लोग सिर्फ पहली दो रोज को देखते हैं तो रो वन पहली लूप चल रहा था वन वन कॉमर टू को चेक करो वन कॉमर टू पे अच्छा सब चार्टन कॉमर टू पे क्या वैल्यू है कॉमर टू पे क्या वैल्यू मौजूद है लेट मी नो रो रो कॉलम कॉलम का ये मतलब ना कि रो वन कॉमर टू पर हमारे पास वैल्यू थी जीरो जीरो फोर अच्छा एक चीज आगे मेरे पास जीरो जीरो फोर इज ग्रेटर देन रिजल्ट रो प्लस वन रो प्लस वन मतलब इसके आगे वाले कॉलम की बात करते हैं हमेशा ऑफकोर्स जब भी बबल शॉर्ट करते हैं तो कंजेक्टिव को हम लोग देखते हैं तो वहां है जीरो जीरो वन तो जीरो जीरो वन क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है ये नो होजैर बेटा थोड़ा तेज से जवाब देते रहो ऑफकोर्स ना बेटा फोर जो है बड़ा होता है ना उजैर राइट right? तो लेकिन ये अभी फिलहाल गलत ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया अगर हम इस तरीके से देखें लेकिन आपको क्या करना था असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हम इन दोनों में स्वैप कर देंगे यस यू नो बिल्कुल स्वैप स्वैप कर देंगे तो लेकिन किस तरीके से करना है दैट्स द मेन थिंग आपको स्वैप करना है दोनों वैल्यूज को पहले आपने एक तरीके से तहा और अली को स्वैप करो मतलब तहा नीचे आ जाए अली ऊपर चला जाए फिर जीरो जीरो फोर नीचे जीरो जीरो वन ऊपर चला जाए जब आपने कंडीशन एक कॉलम को देखते हुए आपने देख ली अब आपने क्या करना है एक लूप चलाना है फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे पास वो होते इसमें लाइक कॉलम्स like, होते हम उतने लूप चलाते जैसे अभी हमारे पास दो कॉलम्स थे तो हमने टेम्प्रेरी के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया रिजल्ट रो कॉमा कॉलम की वैल्यू रो कॉमा कॉलम मतलब वन कॉमा वन क्योंकि अभी फॉर जो इनर लूप है वो एक दफ़ा चल रहा था तो आप मुझे बताओ भाई वन कॉमो वन पर क्या वैल्यू थी उजैर रो वन कॉलम वन क्या वैल्यू है उसमें कहा मौजूद है परफेक्ट तो टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर जो हमारी एक टेम्प्रेरी जगह है वहां पर हमने क्या चीज़ स्टोर कर दी तहा सही जनाब अब हमने क्या किया हमने कहा की दूसरे वाली उस पर जाओ इधर ना अब आप क्या करो रिजल्ट रो कॉमा कॉलम के अंदर स्टोर कर दो मतलब रिजल्ट वन कॉमा वन पे जाके जहाँ पे भी तहा मौजूद था वहाँ पे क्या चीज़ स्टोर कर दो रिजल्ट रो प्लस वन करके मतलब उसकी आगे वाली चीज़ का सेम कॉलम वाली चीज़ बताओ रो प्लस वन मतलब दैट्स बेसिकली टू रो नंबर टू कॉलम नंबर वन टू कॉमा वन पे क्या वैल्यू मौजूद है उजैर अली परफेक्ट तो अब आपने क्या करना है रिजल्ट वन कॉमा वन के अंदर स्टोर कर दो अली को तो ये तहा की जगह क्या आ चुका है यहाँ पे लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर अली सही है चलो और उसके बाद आपने क्या कहा उसके बाद आपने कहा रिजल्ट रो प्लस कॉलम मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है रो प्लस वन दैट मीन टू टू कॉमा वन टू कोमा वन के अंदर स्टोर कर दो जो आपने टेम्प्रेरी जगह पे स्टोर की हुई थी वैल्यू इज तहा तो यहाँ अली की जगह आ जाएगा हमारे पास तहा अच्छा अब मुझे बताओ अः उ क्या हम दोनों के ये वाले दोनों एलिमेंट्स स्वैप हो चुके हैं ये दो कॉलम्स ये दो रोज में से जो चीज़ें कॉलम वन वाली बिल्कुल स्वैप हो चुके हैं अब हमारी इसको स्वैप करने की बारी है तो अब इसको स्वैप किस तरीके से करेंगे फॉर को लू अब दूसरी दफ़ा चलेगा रो तो वही नहीं अभी तक रो वन ही हमारी अब कॉलम दूसरी दफा चलेगा तो कॉलम की वैल्यू हो गई टू रिजल्ट टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो रिजल्ट रो कॉमा कॉलम की वैल्यू रो कॉमा कॉलम मतलब रो तो वन ही है लेकिन अब कॉलम टू की बात करेंगे अब हम लोग तो वन कॉल्म जो कॉलम टू है उसको स्वैप करवाना है तो वन कॉमा टू का मतलब क्या है टेम्प्रेरी के अंदर क्या चीज आ जाएगी जीरो जीरो फोर आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तो ये आ गया जीरो 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 फोर इस तरीके से फिर रिजल्ट रो कॉमा कॉलम रिजल्ट रो कॉमा कॉलम मतलब वन कॉमा टू वन कॉमर टू के अंदर क्या चीज स्टोर कर दो रिजल्ट रो प्लस वन मतलब टू कॉमर टू वाली चीज रो प्लस वन विच इज बेसिकली टू टू कॉमर टू वाली चीज विच इज वन तो क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का ये जीरो जीरो फोर हट जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो 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 वन परफेक्ट हो गया और उसके बाद जहाँ पे ये वैल्यू है इसको हम लोगों ने जो टेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी वो चीज स्टोर करनी है किस तरीके से करेंगे रिजल्ट रो प्लस वन रो प्लस वन मतलब कि भाई वन की बात हो रही है जो फर्स्ट रो है कॉलम कॉलम मतलब बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे दैट विल बी रो प्लस टू कॉमर टू तो टू कॉमर टू के अंदर स्टोर कर दो क्या चीज स्टोर कर दो टेम की वैल्यू टेमकी वैल्यूज फोर ये आ गया आपका जीरो जीरो फोर इस तरीके से ये आपकी एक स्वैप हो गई है अब ये चीज बार बार होगी अब आपने अपने फॉर की लूप से बाहर निकले नो स्वैप्स को आपने वापस से फॉल्स कर दिया द रीजन इज के आप लोगों के एक स्वैप हो चुका था सही है मतलब आपने स्वैपिंग कर दी है स्वैपिंग का मतलब यह है के समझ लो इस पूरे लूप को ना एक स्वैप समझ लो या आपने एक पूरी रो का स्वैप किया सही है कंप्लीट रो का स्वैप जब आपका स्वैप हो जाता है फिर आप नो no स्वैप को फॉल कर फॉल कर फॉल्स कर, कर देते हो ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई अभी पॉसिबिलिटी है कि शायद ही अनसॉर्टेड अभी कंफर्मेशन नहीं है सही है और उसके बाद जैसे ही आप बाउंड्री वाले लूप से बाहर निकलते हो बाउंड्री को बाउंड्री माइनस कर करते रहते हो इस तरीके से आपका काम बार बार रिपीट होता जाएगा अनटल और अनलेस आप लोगों का एरे शॉर्ट हो जाएगा तो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू दिस कोड अब इस सिनारी में ये होता है कि अगर आपके पास चार कॉलम्स हो तो आप क्या करते हैं फोर कॉलम वन टू फोर इतना सिंपल काम वही सेम चीज़ है जो आपका बबल सॉर्ट के अंदर करते हो तो अगर किसी को लेक्चर में प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर जाके देख सकते हैं आप लोग जो लाइक आपको उसमें मिल जाएगा प्ले में जाके सही है okay ओके जी लेट मी पॉज रिकॉर्डिंग